हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेंसिटी। इससे पहले हम लोग प्रेशर पढ़ चुके थे। जो भी स्टूडेंट नए हैं वे प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें ताकि उनका कंटिन्यूएशन और उनको समझ में अच्छे तरह से आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 741 से शुरू है इसमें, और पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर का डेंसिटी क्या है ये पूछा जा रहा है। तो आपको पता रहना चाहिए कि वाटर का डेंसिटी क्या होता है, 1000 kg/m³। तो आप इसमें देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए, 1000 kg/m³ या फिर m³। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन क्लाउड टू फ्लोट इन द स्काई। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, क्या रीजन है जिससे कि क्लाउड फ्लोट करता है स्काई में। तो क्लाउड फ्लोट करता है स्काई में, ये कौन सा रीजन हो गया, ये आपका हो गया लो डेंसिटी। तो लो डेंसिटी के कारण क्या होता है, क्लाउड का वेट लो हो जाता है। किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, और इसी कारण वो फ्लोट होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आइस फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज इज डेंसिटी। तो आइस जो यानी कि बर्फ जो फ्लोट करता है वाटर में, उसका डेंसिटी क्या होता है, पानी से उसका डेंसिटी कम रहता है, इसी कारण से वो फ्लोट करता है। और डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम लोग डेंसिटी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। और जो भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है मीन्स आपको नोन है, वो आप लोग का रिवीजन हो जाएगा, और जो न्यू क्वेश्चन है वो आप लोग नोट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रेशर इज डिफाइन एज। तो प्रेशर आपका डिफाइन एज क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग को पता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसका ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन/m², और इसको हम लोग पास्कल भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइन एज। तो डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस क्या डिफाइन होता है, मीन्स इसका फॉर्मूला हम लोग को पहले पता रहना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या, मास पर यूनिट आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो ये आपका ऑप्शन ए में है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया हर एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पर पूछा गया कि विच टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम। तो वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर में रहेगा, ये आपको यहाँ पूछ रहा है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये आपको जरूर आता होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। जी हाँ, ऑप्शन आपको दिख रहा है 4 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर में वाटर की डेंसिटी क्या रहती है, सबसे मैक्सिमम रहती है। अब ग्रुप डी का एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा रहे हैं डेंसिटी से। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 747 में, आप लोग जरा गौर फरमाइए। तो डेंसिटी ऑफ आपको रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है सिल्वर का कितना दिया हुआ है, 10.8, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। फिर आपको क्या दिया गया, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया गया है 1000 kg/m³, ठीक है, ये आपको नोन रहेगा। और आपको क्या निकालने बोला, व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट में बोला गया है, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, kg/m³, यही इसका एसआई यूनिट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर पहले लिखेंगे, और ऊपर में क्या लिखना है, डेंसिटी ऑफ मीडियम, जो मीडियम है मीन्स सिल्वर, और नीचे में आपका हमेशा रहेगा डेंसिटी ऑफ वाटर, ये बात आप लोग ध्यान में रखिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं फॉर्मूला, तो ये रहा आपका फॉर्मूला। अब यहाँ पर आपको क्या निकालने बोला, व्हाट विल द डेंसिटी ऑफ सिल्वर। तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर आपको निकालने बोला, रिलेटिव डेंसिटी आपको दिया गया है 10.8, और डेंसिटी ऑफ वाटर भी दिया गया है, इजीली आप निकाल सकते हैं। और हम डेंसिटी क्या आ जाएगा, 10800 kg/m³। तो ये आपका किस ऑप्शन में है, ये आपका है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डेंसिटी इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर।
तो यहाँ पर पूछा है कि इनमें से किसका डेंसिटी ज़्यादा है, किसके कंपेयर में, वाटर के कंपेयर में। तो आपको ध्यान रखना, अगर डेंसिटी ज़्यादा रहेगा कोई भी सब्सटेंस का, तो वो सब्सटेंस वाटर में अगर हम उसको डालेंगे तो वो सिंक कर जाएगा, यानी कि डूब जाएगा। तो अब आप ऑप्शन ले लीजिए, कॉर्क, अगर आपके आपका कॉन्सेप्ट सही है तो आप इजीली इसको कर लीजिएगा। अब कॉर्क एग्जांपल लिए, कॉर्क मान लीजिए, जो कॉर्क होता है जो हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं उसका जो नीचे का जो हिस्सा होता है वो कॉर्क होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग वाटर में फेंके, वो जाएगा नीचे? नहीं जाएगा, मीन्स उसका डेंसिटी कम है इसीलिए वो नहीं जाएगा। आइस भी नहीं जाता है, लेकिन आयरन नहीं, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या होता है, जैसे ही हम लोग डालेंगे वो अंदर चल जाएगा। तो आयरन नेल का डेंसिटी ज़्यादा है, किसके डेंसिटी से? वाटर का डेंसिटी से। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, थर्माकोल तो आप तो जान ही रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से न्यूमेरिकल्स है। अब यहाँ पर सिल्वर का डेंसिटी दिया हुआ है और वाटर का दिया हुआ है, तो आपको निकालना है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर। सेम टाइप का सेम वैल्यू भी दिया हुआ है, बस चेंज क्या किया गया है, उसमें आपको डेंसिटी ऑफ सिल्वर निकालना था, इसमें आपको रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर निकालना है। तो ईजी है, आप लोग इसको ज़रूर कर लेंगे और इसका आंसर आपको आ जाएगा ऑप्शन सी 10.8। अब यहाँ पर आपको एक बात इम्पॉर्टेंट है, देयर इज़ नो यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन में दिखे कि किसका यूनिट क्या है, तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे, नो यूनिट रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू। अब रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू पूछा गया, हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, वहाँ पर हम लोगों को क्या मिला, फॉर्मूला। तो रिलेटिव डेंसिटी किसके इक्वल होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, कोई भी सब्सटेंस का डेंसिटी रहता है ऊपर में और नीचे में क्या रहता है, डेंसिटी ऑफ वाटर रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला तो नहीं है, डेंसिटी ऑफ कॉम्पोनेंट्स ये भी गलत है। अब यहाँ ऑप्शन सी देखिए, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। डी तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन सी में आप लोग राइट आंसर करेंगे। और ध्यान रखिएगा, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये फॉर्मूला भी है, आपको याद भी रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ दिया गया है।